प्रेज गॉड, हालेलुया। ये सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आज ये प्रभु का वचन हमारा जीवन के लिए आशीष का कारण बनेंगे। विश्वास करने वाला आमीन बोल सकते हैं। आमीन। पिछले दिनों में इस जीवित वचन के द्वारा आपसे बात करने के लिए प्रभु ने इस माध्यम के द्वारा हमें सहायता किया। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का सहयोग के लिए धन्यवाद। आई बिलीव दैट यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। आज ये वचन जब हम पढ़ते हैं, हमारा जीवन के अंदर हम प्रभु में दृढ़ बनना है। बाइबल में लिखा हुआ है, चट्टान पर बनाए वो मकान और रेत पर बनाए वो, भालू पर बनाए वो मकान। सो चट्टान पर बनाए वो मकान हमें बनना है। पवित्र आत्मा उसके लिए हमें मदद करें। हम जल्दी से पढ़ेंगे एक वचन, नीति वचन उस 18:10, प्रोवर्ब्स चैप्टर 18:10। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। हालेलुया। परमेश्वर का नाम, द नेम ऑफ जीसस, द नेम ऑफ एलोहिम, द नेम ऑफ एलशदाई, जो परमेश्वर का नाम, द नेम, द क्रिएटर, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाए हुए परमेश्वर का नाम लेना और उस पर भरोसा करना, उस नाम लेकर हम उसमें दृढ़ गढ़ बनना। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। आप बोलेंगे, मेरा रक्षा, मेरा सुरक्षा, मेरा सब कुछ प्रभु में है, प्रभु का बाहर नहीं है। आई वॉन्ट टू बी प्रोटेक्टेड बाई गॉड। मैं अपने बल पर भरोसा नहीं करते, हम किसी और चीज पर भरोसा नहीं करते हैं, मेरा सुरक्षा प्रभु है। हम बाइबल में देखते हैं भजन संहिता उसका 91 पहला पद से लेकर, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाए। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। मेरा भरोसा किसी और चीज पर नहीं है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। वो यीशु पर आप विश्वास करते हैं आपका जीवन में, आप समझ लेना, आपका शरण, आपका दृढ़। बहुत सारे लोग अपने जीवन के अंदर कभी कभी हमें उस बातों से दूर जाने की कोशिश करते हैं। मैं बोल रहा हूँ, नहीं, आपकी सुरक्षा यीशु में, आपकी सुरक्षा प्रभु की उपस्थिति में, उसमें से दूर नहीं जाना है। मैं हमेशा पढ़ने वाले भजन संहिता 121 में, अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है। वो तेरे पावों को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंगेगा। सुन, इसराइल का रक्षक ना ऊंगेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है, ना तो दिन की धूप से ना और ना रात की चांदनी से, आप बोलेंगे, मेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से मेरी रक्षा करेगा और मेरा प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा मेरा आने जाने में मेरा रक्षा आपसे लेकर करता रहेगा। मैं आपको बोलता हूँ, आप अपना जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, आप अपना जीवन में इस वचन को प्रोक्लेम करें, वचन को घोषणा करें, यस, मेरा परमेश्वर का नाम, आप यीशु मसीह का नाम लेकर आप ऐसे घोषणा करेगा तो आपका जीवन की सुरक्षा प्रभु ले लेते हैं। किसी और पर हमारा, बाइबल में लिखा है, कुछ लोग रथों पर भरोसा करते हैं, कुछ लोग घोड़ों पर भरोसा करते हैं, लेकिन हमारा भरोसा आकाश और पृथ्वी को बनाए हुआ यहोवा पर है। हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हमारा रक्षा, हमारी सुरक्षा, हमारी सब कुछ उसमें है। पवित्र आत्मा आपको इस बात के लिए सहायता करे। हमें बाबर लिखा है 10 में लिखा हुआ, यहोवा का नाम दृढ़गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। एक बात और बोलकर मैं प्रार्थना करेंगे। मेरा प्रियो, आने वाला दिनों में बहुत सारी बातें ऐसे हो सकते हैं हमारा जीवन के लिए, हमें देश में और विदेश में, पूरा दुनिया में ऐसे बातें आ सकते हैं। जल्दी से बचने के लिए वो यीशु का नाम ले ले।
आपको मालूम है यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, और उसके बाद में मसीह विरोधी अर्थात एंटी क्राइस्ट बहुत कुछ लेके आने वाला है। महाक्लेश और ट्रिबुलेशन, ये सब बातें प्रकट होने का है। उससे पहले बचना है, एक नाम है, वो नाम है यीशु। यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन में ही हूं। आपको वो नाम मिला है, प्रभु को धन्यवाद करें। बचने का नाम, उद्धार पाने का नाम, ओ हल छुटकारा पाने का नाम और अनंत जीवन पाने का नाम, हर विपत्ति से बचने के लिए एक नाम मिल गया। आमीन। वो नाम है यीशु। उसके लिए आप प्रभु को धन्यवाद करें। अगर आप अभी तक आपका जीवन में आप बोलते मेरा विपत्ति आएगा तो कौन मुझे बचाएगा, मैं आपको बोलना था दैट द नेम इज जीसस। जीसस नेम शैतान की हर एक योजना से आपको बचाने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य है। शैतान आपका विरोध में योजना बनाकर युक्ति बनाकर आते, लेकिन जो लोग प्रभु की छाया में रहते हैं उसकी सुरक्षा में हैं। बाइबल कहते हैं परमेश्वर आपके चारों तरफ एक आग की गोला बनकर आपको सुरक्षित रखते हैं। परमेश्वर आपका जीवन की सुरक्षा है। आमीन। जकरिया भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका दूसरे अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर इसराइल के चारों तरफ एक आग बनकर उसकी सुरक्षा करते हैं। आपके लिए सुरक्षा है। बाइबल कहते हैं परमेश्वर की सुरक्षा अगर आपका जीवन में है, यू आर कंप्लीटली सेफ। प्रभु में आप सुरक्षित है। कितना लोग बोलेंगे मेरा शरण स्थान, मेरा दृढ़गर, मेरा चट्टान, मेरा सुरक्षा यीशु में है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर हमें ये नाम हमें मिल गया इसलिए धन्यवाद करते, क्योंकि बाइबल हमें सिखाते हैं यीशु का नाम सब नामों से ऊंचा नाम है, सब नामों से श्रेष्ठ नाम है। थैंक यू फॉर द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह आप अपने बच्चों को हर विपत्ति से, हर परेशानियों से, हर शैतान की बनाई हुई युक्तियों से बचा कर रखने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह में सब लोग सुरक्षित रहे, आशीषित रहे, चंगे भले रहे, परमेश्वर के आनंद में और भरपूरी में रहे। आपने ऐसे किया, धन्यवाद यीशु का नाम में। आमेन। गॉड ब्लेस यू।